मैं दिनेश की वोरा चैनल फाइव हिंदी पे आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की समस्या बढ़ती जा रही है। जी हाँ, बीजेपी ने इनकार कर दिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हमारे पास मेजोरिटी नहीं है। शिवसेना ने अपना स्टेक क्लेम किया है। अभी तभी जो न्यूज़ आ रही है, एनसीपी और कांग्रेस से बातचीत चल रही है, कुछ लेटर्स वगैरह भी दिए गए हैं, वो लोग गवर्नर से मिले हैं। उम्मीद है कि शायद शिवसेना का सरकार बन जाए कांग्रेस के और एनसीपी के सहयोग से अगले 2 से 3 दिनों के अंदर, ऐसी आशा है। भाजपा के लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक। इंडिया का सबसे बड़ा राज्य, मैं पॉपुलेशन की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, ना ही मैं एरिया की, एरिया में तो इस टाइम नंबर 2-3 पे है महाराष्ट्र जो है, वो भी राजस्थान के बाद, और पॉपुलेशन में 12 करोड़ के आसपास है, 13 करोड़, जो कि यूपी के 22 करोड़ से काफ़ी कम है। लेकिन पैसे के मामले में, इंडस्ट्री के मामले में, इंडिया का सबसे पावरफुल स्टेट, नंबर वन स्टेट महाराष्ट्र, ये स्टेट भाजपा के हाथ से निकल गया। जिसके पास पैसा है उसके पास ताकत है, ताकत महाराष्ट्र के पास है। इंडिया का बेस्ट स्टेट महाराष्ट्र, इंडिया का नंबर वन स्टेट महाराष्ट्र, इंडिया का सबसे पावरफुल स्टेट महाराष्ट्र, और उसकी राजधानी मुंबई, यानी कि इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल, सब कुछ यहीं से होता है। महाराष्ट्र का भाजपा के हाथ से जाना एक तरह से भाजपा का एक तरह से डाउन स्लाइड शुरू होता है यहां से। हरियाणा में मेजोरिटी नहीं मिली, जोड़ तोड़ के मेजोरिटी बनाई। एक बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि भाजपा ने कर्नाटका में खरीद फरोख्त की, भाजपा ने मेघालय में की, भाजपा ने गोवा में की, भाजपा ने नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर वगैरह बाकी जगह की, भाजपा ने इसके अलावा बिहार के अंदर नीतीश को आरजेडी से तोड़ के वहां पे खरीदारी की, भाजपा ने कर्नाटका के बाद हरियाणा में किया, जो तुम्हारे खिलाफ लड़ा उसके साथ उन्होंने खरीद के उसको वहां भी गवर्नमेंट बनाई। लोग हैरान है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में क्यों नहीं किया। क्या फडणवीस की कुछ अमित शाह और नरेंद्र मोदी से कुछ बात हुई है, या ये दोनों की जोड़ी फडणवीस से नाराज है? ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है। ना नरेंद्र मोदी कुछ बोलते हैं, ना अमित शाह कुछ बोलते हैं महाराष्ट्र के अंदर। ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है। क्या चुप्पी फडणवीस के खिलाफ है? क्या ये चुप्पी कुछ ऐसे व्यक्तियों को जिनको महाराष्ट्र के अंदर साइडलाइन कर दिया, उनके खिलाफ है? क्या महाराष्ट्र के सबसे पावरफुल नेता एकनाथ खड़से, जिनको टिकट भी नहीं दिया गया, भाजपा के जो उनके बेस थे, फाउंडेशन थे, उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया गया, कौन था उसके लिए रेस्पॉन्सिबल? दरअसल भाजपा के अपने कुछ कर्म ऐसे थे महाराष्ट्र के अंदर जिसके द्वारा भाजपा ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। कहीं ना कहीं अगर शिवसेना की और एनसीपी की सरकार बनती है तो ये एक सेटबैक तो है, और ये सेटबैक हरियाणा का सेटबैक भी है, हालांकि सरकार वहां बनी है, ये झारखंड और दिल्ली भी जाएगा। ये 2019 के एंड से एक नई हवा चल रही है। ये एक और संदेश देती है कि राजनीति में कुछ भी ग्रांटेड मत करना, कुछ भी सर्टेन मत समझना, ये मत सोच लेना कि यही फाइनल है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। ये जनता जो आज आपके साथ है, कल किसी और के साथ हो सकती है। ये जनता ने किसी को स्टैम्प पेपर पे कुछ ठप्पा मार के नहीं दिया है। ये जनता सब कुछ जानती है। वक्त आने पे बड़े से बड़े राजा को रंक बना सकती है, और वक्त आने पे बड़े से बड़े, जो कहीं भी छोटी से छोटी जगह बैठा है इंसान, उसको राजा बना सकती है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, और ये पब्लिक ने कर दिखाया। और भाजपा के लिए शायद ये ऐसा सेटबैक है जिससे इतनी जल्दी भाजपा निकल नहीं पाएगी। वो सारे जिन्होंने प्रेडिक्शन की थी, कुछ एस्ट्रोलॉजर भी थे, कुछ और लोग थे, कि महाराष्ट्र में 225 सीटें मिलेंगी, 250 सीटें मिलेंगी 288 में से, और शायद कांग्रेस को और एनसीपी को 20-25 सीट भी ना मिल पाए। यहां तक बात हो गई थी, यहां तक बात हो गई थी, आप सोचिए। तो कहीं ना कहीं अहंकार और बिना कुछ किए इतनी सीटें मिल जाना, ये कमाल की बात, और कहां लुढ़के अल्टीमेटली आके बीजेपी 105 पे। तो ये कहानी है जनता की, जनता के जवाब की। तो चेहरे उतरे हुए, कल एक फोटोग्राफ था, आज के पेपर में फोटोग्राफ है कि भाजपा के कई नेता गवर्नर हाउस से निकल रहे हैं, गवर्नर से मुलाकात करके, और इतने उतरे हुए चेहरे उनके कि देखिए, पावर ना हो तो क्या हो जाता है इंसान का चेहरा। ये सब पावर है, पावर का सब चक्कर है।
शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। नई सरकार जल्दी बनेगी महाराष्ट्र में, शायद 2 से 3 दिन के अंदर इंतजार करेंगे। धन्यवाद आपका।